हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवा रहा है आपकी सी टेट की, यूपी टेट की प्रिपरेशन एंड आल टेट जो प्राइमरी लेवल के हैं। तो चलिए आइए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिर्फ महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, या जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था, लेसन था, उसमें लिया था परिवार एवं आवास। आज जो है सेकंड चैप्टर है, सेकंड लेसन है भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप खुद समझ रहे होंगे कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि आपने अभी तक एग्जाम दिया है टेट का एक बार भी। तो पहला हमारा इससे क्वेश्चन बनता है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बसा में घुलनशील विटामिन को, घुलनशील और अघुलनशील दो तरह के विटामिन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, और एक क्वेश्चन बनता है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है वो किस में है, बसा में घुलनशील होते हैं, बसा में घुल जाते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण, नियमित व्यायाम और उचित रहन सहन, ये तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। कुनैन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है, जो कुनैन नामक औषधि होती है किससे प्राप्त होती है, तो वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। एक्चुअली कुनैन जो है ये मलेरिया की दवा होती है, जब मलेरिया होता है तब इसको इसकी दवा दी जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुनैन किस बीमारी में, जो दवा है किस बीमारी में दी जाती है, तो मलेरिया में दी जाती है। लेकिन किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। भोज पदार्थों के संरक्षण में किन विधियों का उपयोग किया जाता है, जो भोज पदार्थ के संरक्षण, जनरली हम लोग मार्केट से सामान लेके आते हैं या घर में रखते हैं, वो लंबे टाइम तक चले, तो उनके लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उसका निर्जलीकरण, प्रशीतन, उबालना, पाश्चरीकरण। जैसे हम दूध लेते हैं तो हम उसको सबसे पहले उबालना शुरू करते हैं, तभी वो आगे चल के एक दिन तक सही रह सकता है, वरना खराब हो जाएगा। किन्हीं चीज़ों में हमें निर्जलीकरण, उनका पानी निकालना पड़ता है, अगर वो पानी में रहेंगी तो वो खराब हो जाएंगी। प्रशीतन करना पड़ता है, ठंडे उसमें रखना पड़ता है, पाश्चरीकरण करना पड़ता है। तो ये सभी विधियाँ होती हैं भोजन पदार्थों को सही रखने के लिए, ठीक है ना, संरक्षण के लिए, ताकि वो कुछ टाइम तक, लंबे समय तक ठीक रहें। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें जितने भी विटामिन्स होते हैं उनके सभी के नेम्स और उनके रासायनिक नेम्स, और साथ ही साथ में उनसे होने वाली बीमारियां, उनसे इन बीमारियों से किस तरह बचा जाए, वो सभी चीज़ें मैंने बताया है। तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वो आपके लिए हो सकता है। गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होता है, जो गुर्दे में पथरी होती है किसका क्रिस्टल होता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट जब बढ़ जाता है वो उससे गुर्दे में पथरी होती है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, देखिए यकृत में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी आपके क्वेश्चन है। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा गया है, तो देखिए, जो आपका प्लीहा होता है उसको शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ठीक है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं, यानी जिन्हें हम RBC कहते हैं, का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, तो प्लीहा एवं यकृत में होता है। देखिए, प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है, ठीक है ना, और जो लाल रक्त कणिकाएं RBC होती है, तो उसका निर्माण भी कहाँ होगा, क्योंकि प्लीहा में होता है, ठीक है, क्योंकि RBC और WBC यानी लाल रक्त कणिका और सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं, तो इन दोनों का जो निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रुधिर में कितना हीमोग्लोबिन होता है। आपको बताना है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रुधिर में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 7 अप्रैल को जो है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यक्ष्मा या क्षय रोग, जिसे हम यक्ष्मा या के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग जिसे हम TB भी कहते हैं, किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस पढ़ा तो 7 अप्रैल को, और विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। डेंगू मलेरिया तथा चिकनगुनिया रोग किन के द्वारा फैलते हैं? तो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। और मिजल्स, पोलियो, एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चेचक तथा रेबीज रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो देखिए विषाणुओं द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जीवाणु और विषाणु होते क्या हैं और इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपके लिए इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विषाणुओं द्वारा देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, मेजल्स भी होता है, पोलियो, एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चेचक, रेबीज रोग जो होते हैं इनके द्वारा होते हैं, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर रक्त स्राव बंद नहीं होता है? तो जो विटामिन के होता है उसकी जब कमी शरीर में बॉडी में हो जाती है और कोई चोट लगती है और आपका रक्त यानी ब्लड जो है कंटिन्यू बहता है, तो समझ जाइए कि आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो चुकी है। मीना माता रोग का संबंध किस धातु से है? मीना माता रोग का संबंध किस धातु से है? तो देखिए मरकरी से है, ठीक है ना। मरकरी से किसका संबंध है? मीना माता रोग संबंध का धातु का संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये फर्स्ट पार्ट है इसका, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको इसके MCQ वाले क्वेश्चन लेके आएंगे मल्टीपल चॉइस के, तो उस वीडियो का वेट करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।